अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान से मिलने से तक के तमाम दोस्तों, और हम अपना बास्केट शो लेकर आ जाए आपके आगे सामने आपके। हमारे पास जो ग्रुप पे थीम चल रही है दैट इज इन्वेस्ट टू हेल्प लाइफ, एंड वी आर कॉन्फिडेंट एंड हैप्पी दैट वी आर अ ग्रेट बंच ऑफ सम हेल्दी पीपल हु आर पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। तो आज के प्रोग्राम में कुछ खासियत ऐसी है कि मैंने कुछ दिन पहले एक पोस्ट डाली थी, एंड दैट पोस्ट वॉज अबाउट Assalamualaikum Pakistan se milne se tak ke tamam the intermittent fasting, and it was all about ke aap intermittent fasting ko pasand karte hain ya phir aap keto diet ko pasand karte hain। तो काफी ज्यादा लोगों ने अपना इनपुट दिया, आपने लाइक सब्सक्राइब अपने आपको हेल्दी रखने के लिए वो लोग क्या क्या करते हैं इस बारे में बात की गई। तो फिर बाजी और मैंने सोचा कि क्यों ना, क्योंकि बाजी इज डूइंग दिस काइंड ऑफ शी इज फॉलोइंग द रूटीन ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग, और हम उसको IFP कहते हैं। तो बाजी इज ऑल्सो रीडिंग अ बुक, तो शी सेड दैट व्हाई नॉट सारा टू शेयर इट विद अदर मेंबर्स व्हाट एवर शी लर्न, एंड आई सेड व्हाई नॉट हम तो वीकेंड प्लान पे ही करते हैं। और बाजी ने किया, तो बताइए कि आपकी कंपनी अबाउट दिस काइंड ऑफ हेल्दी डाइट। ओके सो अस्सलाम वालेकुम सबको, सारे लोगों को, जितने भी सारे हमारे पॉजिटिव और वाइब्स रखने वाले सारे लोग जो हमारे ग्रुप में मौजूद हैं उन सबको। आई होप आप लोग का वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा, गुजर रहा होगा बल्कि। तो द रीजन दैट आई डिड दैट, आई वाज टेलिंग सारा कि सारा बहुत ही मिसकंसेप्शन है हमारे यहाँ इस बात का कि जो है ये डाइट्स हैं, बिकॉज दे आर नॉट डाइट्स, दे आर लाइफस्टाइल। सो क्या हुआ है कि मैंने मैंने कभी इतना वेट पुट ऑन नहीं करा अपनी लाइफ में जितना मैंने किया। आई बिकेम 134.6, विच वॉज नेवर माई थिंग। सो मैं कभी भी इतनी इतनी ज्यादा, आई एम टॉकिंग अबाउट किलो, नॉट किलोज, पाउंड्स। सो मुझे किलोज में उसमें कन्वर्ट करना नहीं आ रहा। तो बहरहाल, तो उसमें मैं जरा थोड़ी डर गई, क्योंकि आई वॉज स्टिल ईटिंग हेल्दी एंड आई वॉज ट्राइंग द हार्डेस्ट, बट इट वॉज नॉट वर्किंग फॉर मी। सो मैंने बहरहाल पता करने की कोशिश करी काफी कुछ, और फिर मैंने किसी जो हेल्थ लॉस सेंटर है मैंने उससे भी थोड़ी बहुत मालूमात करी, जो कि डॉक्टर्स हैं जो कि आपकी हेल्प करते हैं। तो एनीवे, सो मैंने ये सोचा क्योंकि मैं तो कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि ये एक तरीके की हमारी जो हमने ये ग्रुप बनाया है, तो ये तो हमारी फैमिली है, तो मुझे इन सब बातों को बताना बहुत जरूरी हो गया कि मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोग मेरे साथ साथ इस जर्नी में भी शामिल हो सकते हैं। तो बिल्कुल साफ साफ जो भी है सच सच वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि आधी बात बताते हैं आधी बात नहीं बताते, जो उनका मैटर है। हम लोग क्योंकि फैमिली है, तो मैं इसलिए आप लोग के सामने ये बात लेकर आई हूँ। आज थोड़ी बहुत डिस्कशन IF पे होगी। IF इज समथिंग दैट ऑफ फास्टिंग। ओके सो फास्टिंग जो है वो हमारे यहाँ तकरीबन हर मजहब में ही की जाती है, चाहे आप की कहते हैं मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, आपका जो भी मजहब है, कहीं ना कहीं हम वो फास्टिंग करते हैं साल में एक बार जरूर, ठीक है ना। तो उस फास्टिंग का सिलसिला ये कि एक है क्या ये फास्टिंग, फास्टिंग में बस इतना है कि इसको हवा बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है, और ये सिर्फ आपके, जैसे कि आपने 8 बजे, मैंने सारा को वो भी भेजे हैं, थोड़े से पेपर्स भी भेजे हैं जो कि उसके ऊपर लिखा हुआ है, सारा कुछ स्क्रिप्टेड है, ताकि आप लोगों को बाद में पढ़ के और भी समझ सके, जो भी जो समझ ना पाए। तो ऑल आई एम ट्राइंग टू से कि दिस फास्टिंग इज नॉट आउट ऑफ द वर्ल्ड। कुछ ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्व करना है अपने आप को, कुछ ऐसा नहीं है कि अनथिंकेबल हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग सारा इज ट्राइंग टू शेयर। सो मोस्ट ऑफ अस थिंक, अब जैसे ये वाली बात है कि मोस्ट ऑफ अस हम लोग ये थिंक करते हैं कि ये हमारी रिलीजियस प्रैक्टिस भी है, हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी है कि हम फास्ट करें, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बेनिफिट्स में जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पूरी लिस्ट सारा लगा भी देगी आपके लिए, और इसमें मेंटल क्लैरिटी भी है, आपकी एनर्जी, क्योंकि जब जितने बड़े हम होते जाते हैं उतनी एनर्जी हमारी लेवल छोटा होता चलाता है, हम बार बार थक जाते हैं। और अक्सर लोग, पता है क्या हुआ कि उस पोस्ट में मैंने मैंने एक पोस्ट देखी थी, हमारे वन ऑफ आर मेंबर शेयर इट, कि जैसे ही हम खाते हैं तो हमें क्या होता है कि हम सो जाते हैं, क्या होता है कि हम थक जाते हैं उल्टा खा के। तो ये जो थी, ये बात बहुत कॉमन है हमारे पाकिस्तानी माशरे में भी, कि हम लोग, क्योंकि हम रोटी खाते हैं, और रोटी जो है और चावल जो है वो एक्चुअली वो आपका इंसुलिन लेवल को ऊपर कर देती है।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये सारी चीजें इंप्रूव होती हैं जो सारा आपको लिस्ट दिखा रही है. तो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि उस पोस्ट ने मुझे बहुत बूस्ट दिया, जबकि मैं आजकल रोटी बिल्कुल भी नहीं खाती. आजकल नहीं बल्कि सारा मेरी विटनेस है, मैं बहुत अरसे से रोटी नहीं खाती, लेकिन फिर भी मैं वेट जो थी वो अपना कम नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि मैं कम कर रही हूँ, मैं फ्लक्चुएट कर रही हूँ. जैसे हम सब करते हैं, हम कभी ऊपर होते हैं कभी नीचे होते हैं, हमारे वेट फ्लक्चुएट करते हैं. जब हम खाना छोड़ते हैं तो कम हो जाते हैं, जब हम जैसे ही थोड़ा सा भी खुश होकर खा लेते हैं फौरन हमारा ज्यादा वेट हो जाता है. तो हमारी सबसे पहले तो कंसिस्टेंसी की जरूरत है, और सबसे पहले अपने आप से वादा करने की जरूरत है कि आपने ये काम करना है और यू आर डिटरमिंड टू डू इट. सो अब ये जो मैंने जो आपको ये बात बताई, तो इंटरमिटेंट जो फास्टिंग है, जो कि हम IF के नाम से भी एब्रिविएशन में करते हैं, तो उसमें क्या है कि आप इट्स नॉट अ डाइट, इट्स अ स्केड्यूल ईटिंग. तो आप अगर जो है अपना स्केड्यूल बना लें ईटिंग का, तो वो आपके लिए इजी रहेगा. ठीक है ना, आप जैसे कि आपने फास्ट करना शुरू किया, आपने फास्ट करा, आपने 8 बजे जो है अपना फास्ट शुरू कर दिया, रात के 8 बजे, रात को 8 बजे तक. वैसे भी देखिए, अगर आप नॉर्मली सोचिए तो जितनी देर से आप खाना खाते हैं उतनी मुश्किल से आप सोते हैं, क्योंकि वो खाना हजम नहीं होता. तो ये तो बहुत पुरानी बातें हैं, हम सब जानते हैं कि 6-7 बजे रात का खाना खा लो. आई नो कराची में फैशन है कि देर में ही खाना खाया जाता है, 11 बजे तक खाना खाओ, बाहर घूमो, उसके बाद आराम से रात भर जागो, रात भर स्नैकिंग करो, और फिर हम ये बात कहते हैं कि हमारा वेट क्यों नहीं लूज हो रहा. तो गलती तो हमारी अपनी है, यू नो, वी डू ऑल दैट बाय आवरसेल्फ टू अस. सो इन दैट वे, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप से वादा, अपने आप को समझना, अपने आप की डिटर्मिनेशन दिखाने की बात है. सो आई डिसाइडेड टू डू दैट, सो आई एम जस्ट टेकिंग यू इन माई जर्नी. मैं अपना जो मैं रोज खाती हूँ, जो मैं बनाती हूँ, मैं आप लोगों से वो भी जरूर शेयर करूंगी. ठीक है, तो अब जैसे कि IF को स्टार्ट करा आपने 8 बजे से लेकर, आपने उसको फास्ट करा और उसके बाद आप सो गए 10 बजे. अब वही वाली बात है, अगर आप रात के 2 बजे तक जागेंगे तो आपको भूख लगेगी ऑटोमेटिकली, राइट? तो इसलिए मुझे इसलिए मुश्किल नहीं लगा, क्योंकि मैं जिस घर में पैदा हुई, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी अम्मी वॉज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट हर स्केड्यूल. तो अम्मी जी हमेशा वेरी स्ट्रिक्ट रहे, हम लोग हमेशा अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज रहे, तो हमें ये प्रॉब्लम कभी हो नहीं सकती, क्योंकि हम 10 बजे वैसे भी सो जाने वाले लोग हैं. तो जब आप 10 बजे से लेके 6 बजे तक आराम से सोएंगे, ठीक है, उसके बाद ये पूरा का पूरा रूटीन मैं शेयर कर रही हूँ आपसे. अगर जो भी इस बात को करना चाहे, आई एम राइट नाउ आई एम ऑन लाइट प्रोटीन डाइट, ओके. सो मैं वो भी आपसे शेयर करूंगी, क्योंकि मैंने ये IF किया हुआ था, तो मैं जो हूँ अब प्रोटीन डाइट के ऊपर हूँ, लेकिन मैं आपसे वो भी शेयर करूंगी. तो देखिए, आप अच्छी खासी चीजें, आप सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन अब ये नहीं है कि मैंने फास्टिंग छोड़ी, खत्म शुरू वो करे, उसके बाद मैंने पकोड़े खाना शुरू कर दिए. मैंने हम लोग मोस्टली रमजान में वेट लूज नहीं करते, बल्कि वेट गेन करते हैं, क्योंकि हम पूरा दिन रोजा रख के खूब सारा खाते हैं. तो इसमें ये है, सिर्फ आपको इत्दाल से रहना है, आपको देखना है, यू हैव टू वॉच व्हाट यू ईट एट ऑल टाइम्स. Okay, it's not that you're going to be spiking your sugar levels, you're eating sweets, you're having grain, you will be having bahut sara aapne, oh maine to pura din kuch, maine to 12 ghante se 16 ghante se kuch khaya nahi, to ab main kya karunga ki maine 4 parathe khaye. You mess it up for yourself, you're not going to lose. Simple baat hai, aap log lose nahi karenge agar aapne aisa karna hai. To sabse pehle apne se vaada karne ki zarurat hai, aur ye sari cheeze jo sara aapse share kari hai, प्लीज गो थ्रू विद इट. इसमें इन्होंने स्केड्यूल ऐसा बताया है मुझे कि आपने सबसे पहले मॉर्निंग कॉफी ली, बुलेट प्रूफ कॉफी. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग दैट इन पाकिस्तान. आई नो माई मेम्बर्स, वन ऑफ द पर्सन फहद, आई थिंक सो ही इज यूजिंग बुलेट प्रूफ कॉफी, ही डज दैट, एंड आई थिंक सो अनम ऑल्सो. आई हैव सीन सम थिंग्स दैट शी ऑल्सो रिकमेंडेड. And that is a boost. मेरे कुलीग हैं मिस फरा दुरानी, and वो भी ये follow करती हैं, and she is doing intermittent fasting. और मैंने, आप जितनी बात कह रही हैं, तो मैंने खुद तो मैंने नहीं किया ये diet, but मुझे ये पता है कि it keeps her charged throughout the day. कोई ऐसा moment, dull moment नहीं आता पूरे day में जिसमें she feels like इनकी energy जो है वो drained हो रही है, because she is eating but as per a healthy schedule she is eating. So maybe that is the reason ke it's helpful. Yeah, because सारा concept wrong है कि हम जो है वो अपने आप को kill कर रहे हैं, हम अपने आप को starve कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग, अरे
तुमने रोटी नहीं खाई तो अब तो जिंदा नहीं रह सकोगे तुम। और फिर ये होता है कि वो मैं तो एक ही रोटी खाती हूँ, आप रोटी खाती हैं, ओके, डोंट डिनाई दैट, डोंट से दैट यू डोंट ईट रोटी, बिकॉज़ यू ईट वन रोटी, वन रोटी मेक सेंस टू यू, आपको लग रहा है कि आप एक रोटी खा रही हैं, लेकिन आप रोटी खा रही हैं। तो आपको जब ये सब करना है तो आपको देखना है कि आपने क्या खाना है। जैसे कि इसमें पूरा स्केड्यूल है कि 6 बजे आपने, जब सुबह आप उठे आपने 12 घंटे की कर लीजिए आप, ठीक है, आपने 8 बजे आपने रोजा रखना शुरू किया, आप 6 नॉर्मली मैं समझती हूँ 6-7 बजे आपको डिनर कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद आपने 10 बजे आप सो गए, मगर उसमें ये नहीं है कि आप पानी नहीं पी सकते, उसमें ये नहीं है कि आप ग्रीन टी नहीं पी सकते, यू कैन टोटली मेक एज मच ग्रीन टी एज यू वांट, यू कैन हैव लेमन वाटर, यू कैन हैव फ्यू थिंग्स इन द मिडल ऑफ दैट फास्टिंग, ओके। सो उसके बाद क्या है कि आपको जैसे फर्स्ट मील है आपका जो लार्जेस्ट मील ऑफ द डे, आप कुछ भी खा सकते हैं, मगर प्लीज पराठों से गुरेज करें, रोटी से गुरेज करें, ग्रेन से गुरेज करें। तो फिर आप कहेंगे फिर रह क्या गया खाने को, खाने को बहुत कुछ रह गया। आप यू कैन मेक अ बिग ह्यूज सैलेड, यू कैन उसमें आप नट्स डाल सकते हैं, आप बादाम डाल सकते हैं, आप अखरोट डाल सकते हैं, आप किशमिश डाल सकते हैं, आप जो है एक चिकन टिक्का लें, आपने अपने फ्रिज में लगा के रख दिया है मैरिनेशन चिकन को, बोनलेस चिकन ले लें, आपने ग्रिल लिया, ग्रिल पैन नहीं है आपके पास कोई बात नहीं, ग्रिल नहीं है कोई बात नहीं, आपने एक पैन लिया उसमें आपने वो चिकन डाली, यू मेक इट। आई विल मेक माई लंच टुडे, सो मे बी आई विल ट्राई टू गो लाइव फॉर यू गाइज टू जस्ट शो यू that what I'm eating in my protein diet, ठीक है, और मैं आपको ये भी दिखा दूंगी। एक बात और भी कहना चाहूंगी कि ये इतना वास्ट टॉपिक है कि सदाबाजी and I were discussing that we will not be able to complete our discussion in this one live show. तो आज बाजी आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे रही है about intermittent fasting and how you can start this thing. Yes. But at the same time, हम कल फिर दोबारा लाइव जाएंगे around the same time so that हम उसका एक सेकंड फेज आपसे डिस्कस कर सकें as to how you can make sure to stay determined and follow this. Thank you, Najma, yes, for appreciating. And Samar is also with us, and there are almost 10 to 14 people with us. So, I would really appreciate के आप लोग के कोई अगर questions हो तो वो आप इसके comments में डालें ताकि we will be able to get back to you tomorrow. जब हम दोबारा live जाएंगे तो हम आपको दोबारा जो है वो इस चीज के ऊपर हम address कर सकेंगे जो questions आपके हैं. बिल्कुल. और मैंने अपना रिपोर्ट कार्ड भी आप लोगों से शेयर करूंगी। मुझे हर वीक जाना होता है, मैं हर वीक मुझे वेन करना होता है। अभी दिखाना, अभी दिखाना, दिखा दो मेरे जो दो रिपोर्ट कार्ड आए, जो पहला वाला था, जो पहला दिन था, आई वाज 134.1 सारा, यू कैन शो दैट पार्ट इफ यू वांट टू, देयर इज अ पिक्चर दैट आई सेंड यू, एंड इफ यू कैन फाइंड इट आई कैन शो इट ओवर हियर, कैन यू फाइंड इट बेटर? Yes, Bajji, I'm just clicking. That's fine. Yeah, take your time. So, guys, please don't make fun of me because I became very heavy, and I am sharing it because I don't have no shame about it. Because आप लोग मेरी family हैं, ठीक है? So आप ये देख सकते हैं कि मेरा goal जो weight है, वो मुझे 110 lb करना है, ठीक है? Because I'm only 5 feet tall, so I don't want to be like a ball because I don't like to be a ball. So आप ये भी देख सकते हैं कि मेरा ये 122 पे था, मैंने अभी जो है कल मैंने 3.2 pounds lose करा है एक week में इस diet पर। मैंने Friday को diet शुरू करी, actually मैंने Saturday को diet शुरू करी, and Saturday till Friday that's only 7 days and I did that, and मेरे fats जो थे वो मैंने 0.5 मैंने कम किया, and I need to do that to stay healthy, okay? So mera masla kya hai ki mujhe dawaiyon se bahut dar lagta hai, to mujhe dawaiyon pe nahi jana, aur main har mumkin koshish karungi ki main koi dawa na khaun aur main theek rahun. To ye aap dekh sakte hain ki ye mera 122 jisko main pehli dafa gayi thi, pehle din gayi thi, mera ye weight tha 134. I can see it from here also, which was pretty much a lot, 134.6 था, और अब जो मेरा वेट आया है वो 131.4. So I did lose 3.2 pounds. मेरे किलोज में नहीं आता करना, मैं कन्वर्ट नहीं कर सकती, लेकिन बहरहाल आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस, एंड आई ऑल्सो गॉट रिड ऑफ सम फैट. मैं आपको वो भी बताऊंगी कि मैंने किस तरीके से, मैं सुबह क्या खा रही हूँ और मैं शाम को क्या खा रही हूँ,
और मेरे कितने मुझे अलाउ कितना किया गया है, तो उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगी. और ऐसा कुछ नहीं है कि इवन माय ओन हस्बैंड इज वेरी स्केयर्ड ऑफ इट. ओके, सो दे विल बी पीपल हु विल से ओ माय गॉड आई एम सो स्केयर्ड, आई डोंट नो हाउ कैन यू डू दैट, हाउ कैन यू दिस, बट आई कैन. ओके, सो कैन यू. सो आपको मैं हर दफा हर सैटरडे को आके, चाहे हम किसी भी मौजू पे बात करें, मैं आपको अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाऊंगी हर फ्राइडे को जो मैं मिलेगा, ताकि आप लोग मेरे साथ साथ इस चीज पे चलिए. और इंशाल्लाह जिनको भी कोई क्वेश्चन हो, प्लीज आस्क, फील फ्री टू आस्क अबाउट इट, एंड देन लेट्स गेट फिट टुगेदर, बिकॉज लाइक सारा सेड, यस टू हेल्दी लाइफ. सो हमारा आजकल जो हमारा हैशटैग चल रहा है ग्रुप का, यस टू हेल्दी लाइफ है. सो उसके ऊपर हमने ये किया है. तो इंशाल्लाह आप लोग जितना भी क्वेश्चन करना चाहें, फील फ्री. Don't hesitate about anything. Again, we all are family. और हम एक ग्रुप में, और हम पॉजिटिविटी स्प्रेड करना चाहते हैं, तो वेट लूज भी करना एक पॉजिटिविटी है. सही खाना अभी कुछ कमेंट्स रीड करूंगी. हमारे साथ नजमा इरफान है, सामना हमारे साथ है, फरहान अलीम ख्वाजा हमारे साथ, फरहान खालिद मतीन ख्वाजा. फरहान साहब आपने इतना लंबा नाम रख दिया है, एफ के एम के, सो वी कैन कॉल हिम एफ के एम के. Najma Irfan has written that I am highly motivated, and Saman Khan has, Saman hamari apni behan ne kaha, itna zyada formality kar rahi hai bila wajah ki, Saman Khan keh rahi hai ki wow Sadaf Khan keep it up sis, so proud of you. And Najma has again written that few of my friends recommended the same. So yeah. I feel that agar hum sab log milkar apne apne end se koshish karein ki hum log apne aap ko ek healthy lifestyle mein involve karenge, indulge karenge, that is going to help not only us but our family too, because hum healthy honge to family bhi unka khayal karne ke liye hum acche se manage kar sakenge. मेरे घर में ज्यादातर मेरा ख्याल मेरी फैमिली कर रही होती है, क्योंकि ज्यादातर मैं बीमार होती हूँ और मेरी फैमिली जो होती है वो मेरा ख्याल में कर रही होती है. बट मैं भी इस चीज को प्रैक्टिस करने की कोशिश करूंगी कि मैं जो हूँ वो लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर सकूं. अंतुल मतीन, थैंक यू, गुड इन्फॉर्मेशन आपने लिखा, थैंक यू फॉर योर अप्रिसिएशन. बाजी ने बहुत मेहनत से आज आप सबसे शेयर किया डिटेल, इट्स वेरी ऑथेंटिक एंड प्रैक्टिकल एंड at the same time she's herself practicing it, so she can vouch for it better. aur ye to huzoor ne bhi farmaya ki koi cheez dusron ko batane se pehle khud karo tabhi tumhari baat mein asar hoga. yes jaan, aur maine isiliye isko share up karna shuru kara, because I don't want to share it, I knew about that forever, because mera jo beta hai wo mujhe hamesha batata hai ki ye karna hai maa, ye karna hai, wo mere sar pe sawar rehta hai har waqt. लेकिन मैंने जब तक इसको शुरू नहीं किया, अब जैसे कल उसने चीज केक मंगाया, राइट, एंड इट वाज सो टेम्प्टिंग, इट्स फ्रॉम दाया, इट्स ग्लूटेन फ्री, इट्स अमेजिंग, इट्स लुक सो टेम्प्टिंग. बट मैंने अली से कहा कि अली इसमें शुगर कितनी है, उसने कहा मॉम इसकी पर सर्विंग पे 10 ग्राम शुगर है. मैंने कहा बेटा मैं तो नहीं खा सकती, तो ही सेड मॉम आई एम सो प्राउड ऑफ यू क्या आपने ये कहा. मुझे टेम्प्टिंग बहुत हुई, मैं बहुत टेम्प्ट हुई उससे, मुझे इतना हुआ कि ओ माय गॉड एक तो ले लेती, लेकिन मैंने नहीं किया. तो ये आपको अपने ऊपर खुद भरोसा करना है और खुद करना है. और आई थिंक सो अगर हमारे साथ और दो चार लोग मिल जाएंगे, और मैं दूसरी दफा जो हम लोग बात करेंगे, हम कल कीटो पे बात करेंगे, क्योंकि कीटो इज ऑल्सो नॉट अ डाइट. आज हमने मैंने वो तो नहीं शेयर किया जो आपने मुझे सारा भेजा था कि कौन सा वाला खाना करना, मैंने कहा वो करेंगे कल हम शेयर. हम कल वो शेयर करेंगे, मैं बाद में कीटो पे शेयर. कीटो एक टोटली डिफरेंट है. There are two ways to do it, okay? Either there is a jump start for the you can do the protein diet, okay? Protein diet ka jo hai wo main kar rahi hu. I am doing that protein. Before we move on, yes. I would like to acknowledge the presence of Nusrat Khaber, she's appreciating, and Sara Salman was also appreciating and saying that thanks for sharing good information. Thank you guys, so कल फिर हम दोबारा आएंगे सारो मेरे डाइट प्लान को लेकर आएंगे. और तो आप कॉमेंट्स में डालिए, और अगर आप ही IF यानी इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करते हैं
तो आप भी पोस्ट कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस गुड प्रैक्टिसेस को सो दैट अदर पीपल कैन गेट मोटिवेटेड एंड स्टार्ट डूइंग अडॉप्टिंग हेल्दी लाइफस्टाइल जस्ट लाइक इंटरमिटेंट हो या कीटो हो बट हर चीज एक तवाजुन के साथ अच्छी लगती है आई विल नॉट सजेस्ट कि आप आईएफ कर रहे हैं तो पूरे साल आईएफ पे ही चल गुजार दें बिकॉज दैट इज ऑल्सो हार्मफुल सो यू नीड टू एक्चुअली ट्रेन योर बॉडी एंड योर माइंड to do healthy stuff that is also very important and IF ki ek baat aur main kahungi IF is not like ke aap jo hain wo straight up 16 hours pe chale jaiye baaz log 16 hours ko samajhte hain ke oh my god 16 hours okay jab hum log roze rakhte hain to 5 baje roza shuru hota tha aur 8 baje khatam hota tha theek hai aur humne rakhe alhamdulillah to hum as a musliman we are very used to of it दूसरा ये कि आप शुरू 12 घंटे से कर सकते हैं आप 8 बजे रात को खत्म करिए शुरू करिए और 8 बजे सुबह खत्म कर दीजिए तो आप ये भी कर सकते हैं सारा के बच्चों से हंसा रहे मुझे लगा तो एनीवेज कहती शुरू हो गई है मेरे बच्चों की कह रहे हैं कि मैं प्राउड कर रहा हूँ आपको नानो क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ और ये सिर्फ लाइव है लाइव कोई बात नहीं तो ये सारा के बच्चों के चुटकुले हैं जो आप लोगों को वो भी शेयर कर देते हैं हम लोग हम अपनी अपनी फैमिली को सब बता देते हैं तो एनीवे हम भी करते हैं फॉलो जी फरा मैंने आपका नाम मिस फरा दुरानी लेकर लिया है आपको पता है मैंने यहाँ पर भी आपको वही नाम दिया जो आपका वैसे है ना काम की जगह पे नाम तुमने सबसे पहले इनका जिक्र किया था फरा का जिक्र जी तो मिस फरा जो है वो अब ज्वाइन कर चुकी है मिस फरा आप शुरू से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि हमने आपके बुलेट कॉफी के ऊपर चर्चा किया था FKMK ने बोला है बजे आप समझ गई ना FKMK कौन है बिल्कुल मैं समझ गई हूँ हाँ तो लिखा है मैडम सदफ आई विल आल्सो टेक माय BMI डिटेल्स लाइक यू एंड स्टिक इट ऑन माय ड्रेसिंग टेबल तो बिल्कुल जी आप जो है करिए और आप सिर्फ स्टिक ना करिए बल्कि उसमें कमी भी लेकर आएगा अगर वो मालूमात हासिल करें तो इसका मतलब है कि उनके पास ये सब करने का एक है तो मैं ये समझती हूँ कि जब इंस्पिरेशन भी होती हैं और आप सीखते भी हैं और मैं यहाँ पे एक जो है मैं उनका लिंक लेटर ऑन यूट्यूब पे भी शेयर कर दूंगी अपने जिनको मैं यू नो फॉलो करती हूँ तो उससे मैंने बहुत सीखा और अपने बेटे से बहुत सीखा तो मैं आप लोगों के साथ सारी बातें शेयर करूंगी इंशाल्लाह ठीक है थैंक यू सो मच ये पता है कि नजमा फॉलो करने वाली है फरा तो करती ही है FKMK भी करने वाले हैं फॉलो और जो बाकी लोग मिजुक सागर सायरा सलमान अंतुल समन ये सब लोग और मैं भी पूरी कोशिश करूंगी कि हम सब लोग अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल पे स्विच कर जाए सो थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस इट्स टाइम फॉर अस टू साइन ऑफ एंड देन इंशाल्लाह टुमारो सेम टाइम सेम ग्रुप सेम चैनल सेम पीपल विद मोर डिटेल्स ऑन IF दैट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग बस ये बोलिए एक बार व्हाट हैपेंड चलो अल्लाह हाफिज कर अल्लाह सारा तुम्हारी मस्ती ओके अल्लाह हाफिज गाइस और मे बी आई विल गो लाइव एंड अनअनाउंस्ड टू जस्ट शेयर माय लंच टुडे ओके सो थैंक यू गाइस अल्लाह हाफिज